Hey everyone, welcome back to my channel and welcome back to today's video. कैसे हो आप सब लोग? So आज का video होने वाला है एक review video and it's a requested video. मैंने बहुत time पहले एक जटकी haul किया था जिसमें मैंने एक लहंगे का review share किया था आपके साथ, black and silver color का लहंगा था. तो वो video आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, आपको जो मेरा honest review है वो बहुत पसंद आया, thank you for that. और उसी में मुझे किसी ने comment किया था कोई प्रोडक्ट कोड की, दीदी आप इस प्रोडक्ट का रिव्यू कर दीजिए. तो यस, हियर आई एम विद द वीडियो एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, मेरा रिव्यू आपको ऑनेस्ट लगे, पसंद आए रिव्यू, तो आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिव्यू को. सो ये वाला जो लहंगा है ना, दिस इज वेरी हैवी, दिस इज रियली वेरी हैवी. And look at the combination. This is so pretty, guys. Very gorgeous. तो इसमें थ्री पीस लहंगा सेट है, दुपट्टा एंड आपको ऊपर की चोली भी मिलती है, नीचे की ये स्कर्ट है. तो मैं पहले आपको बॉटम दिखा देती हूँ. जटकी की मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जैसा ये रेफरेंस पिक में दिखाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही प्रोडक्ट आपको डिलीवर भी करते हैं. दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो. ये मैंने अपने पैसे खर्च करके मंगाए हैं क्योंकि शादियों का सीज़न है और शादियों में आप जानते हो ना कितने सारे फंक्शंस होते हैं और हर फंक्शन के लिए हमें अलग ड्रेस चाहिए होता है. तो मोस्टली लहंगा लड़कियां प्रेफर करती हैं शादियों के सीज़न में. तो मैंने सोचा कि चलो इस टाइम पे ये रिव्यू कर ही देते हैं, हो सकता है आप लोगों के काम आ जाए. सो आप देखो, ये इसका स्कर्ट है एंड दिस इज सो हैवी. सी, बहुत हैवी है एंड नीचे से बहुत ज़्यादा हैवी है. तो मुझे बहुत पसंद आया लहंगा. तभी अच्छा लगता है जब उसका जो बॉटम है, जो स्कर्ट है, वो खूब फ्लेयर हो उसमें एंड वो प्रॉपरली हैवी हो. अगर बहुत हल्की क्वालिटी का, बहुत लाइट वेट जो लहंगा होता है ना, वो अच्छा नहीं लगता, उतना ग्लैमरस नहीं लगता है, ठीक है. तो ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड इसके मैं आपको वेस्ट दिखा दे रही हूँ. ये कुछ इस तरह की वेस्ट है. अगर आपकी वेस्ट 38 है, मतलब अप टू 38 है, देन ये आपको आराम से फिट आएगा. उसके ऊपर है तब ये आपको नहीं आएगा, मतलब आएगा बट बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा. बट अगर 38 तक है तो आराम से आपको फिट हो जाएगा. और इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है गाइस, यू कैन सी बहुत ज़्यादा लेंथ है. तो शॉर्ट हाइटेड गर्ल्स के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है. अगर आपकी हाइट 5'4" है, 5'5" है, देन आप इसे पहन सकते हो. बट अगर उससे कम है तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगी बिकॉज ये पूरा फ्लोर पर ना, ऐसे फ्लोर पे पूरा जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा. तो यस, अगर 5'5" 5'4" हाइट है तब आप इसे ले सकते हो. बात कर लेते हैं लहंगे की. तो यहाँ पे कमर पे इस तरह की ब्रॉड बेल्ट है जो कि बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगी देखने में. सी, ये बहुत प्यारी लगेगी. तो ये यहाँ कमर पे इस तरह से ब्रॉड बेल्ट दिया हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, फिटिंग बहुत अच्छी लगेगी और एक इल्यूजन देगी आपको स्लिम वेस्ट का. तो यस, फिटेड वेस्ट है एंड इसमें कोई भी कली नहीं है गाइस. इससे पहले जो मैंने लहंगा किया था वो कलीदार लहंगा था बट इसमें कोई भी कली नहीं है. ये जो है ना, ये थोड़ा सा वो जो ए शेप वाले लहंगे आते हैं ना, आपके बट एरिया से बिल्कुल फिटेड, ठीक है, बॉडी हगिंग होते हैं एंड जैसे जैसे वो नीचे जाते हैं नीज के पास से वो ऐसे फ्लेयर आ जाता है. ऊपर से बिल्कुल टाइट एंड नीज के पास से आते आते वो पूरा फ्लेयर आ जाता है. तो ये वो वाला है पैटर्न इसका एंड इसमें धागों का काम किया गया है. मल्टीपल कलर्ड थ्रेड वर्क है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड इसका जो ये फैब्रिक है ना, जिस फैब्रिक पे ये बना है, दैट इज टफेटा सिल्क. एंड इसका जो ब्लाउज है, जो चोली है, वो भी टफेटा सिल्क पे है. काम बहुत नीट एंड क्लीन वर्क है, कहीं पे भी ग्लू का स्टेन नहीं है एंड बहुत ज़्यादा फिनिशिंग, सही वाली फिनिशिंग है हर चीज़ में. प्रॉपरली नीट एंड क्लीन एंड डिफाइंड प्रिसाइज वर्क हुआ है यहाँ पे. तो यहाँ पे गोल्ड एंड स्काई ब्लू के कॉम्बिनेशन में थ्रेड वर्क है एंड बैकग्राउंड इसका ये पीकॉक ब्लू, नेवी ब्लू टाइप का, रॉयल ब्लू कह सकते हैं, उस कलर का इसका बैकग्राउंड है. तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है. इसमें छोटे छोटे से सीक्वेंस भी लगे हैं. जो सीक्वेंस हैं वो स्टिक किए गए हैं, वो स्टिच्ड नहीं है बट स्टिल बहुत प्रॉपरली स्टिक किए गए हैं, इतनी आसानी से निकलेंगे नहीं. एंड आपको दिखा दे रही हूँ, दिस इज द लहंगा. अभी मैं आपको क्लोजर लुक भी दूंगी. सी, और जैसे जैसे ये नीचे जाता जा रहा है ना, इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो और हैवी होती जा रही है. सी, और यहाँ पे ये बॉर्डर पे इस तरह का काम दिया है तो बहुत अच्छा लग रहा है. अंदर इसमें लाइनिंग बहुत अच्छी दी है, बहुत
थिक मटेरियल की लाइनिंग है, अगेन ये सिल्क वाली लाइनिंग है, बहुत अच्छी है। एंड गाइस इसका जो फ्लेयर है ना वो बहुत सही से आ रहा है, मतलब बहुत हैवी आ रहा है, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ दिस कैन कैन अटैच्ड। आप देखो कितना हैवी वाला कैन कैन इसमें दिया हुआ है, जस्ट लुक एट दिस गाइस। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन मंगा रहे हैं, या ये रेप्लिका है, कृति सैनन ने पहना था इसे, तो ये उस पीस का रेप्लिका है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप रेप्लिका मंगा रहे हो तो आपको बस काम चलाओ छोटा मोटा सा हल्का फुल्का सा कैन कैन दे दिया, नहीं, बहुत प्रॉपर ब्रॉड कैन कैन इसमें दिया हुआ है। एंड इसकी वजह से जो लहंगे का फ्लेयर है ना वो बहुत अच्छे से आएगा, जब आप वॉक करोगे ना तो बहुत ग्रेसफुल लगने वाला है। इसके साथ साथ अंदर इसमें नीचे ये जो लहंगे का फ्लेयर है ना, इधर से दिखा दो एक सेकेंड, ये जो लहंगे का फ्लेयर है इसमें अंदर इस तरह से ये कुछ बकरम टाइप का दे रखा है ब्रॉड, एंड उसके अंदर कैन कैन है, तो आपको देख रहे हो डबल बेनिफिट मिल रहा है, बकरम भी है एंड इसमें इस तरह का, आई डोंट नो इसे शायद बकरम ही बोलते हैं, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी, और इसमें इस तरह का ये कैन कैन भी दिया है, तो डबल बेनिफिट है, ठीक है। तो जब आप चलोगे ना तो वो आपके पैर से टकरा के जब आगे जाएगा लेगा तो बहुत ग्रेसफुल लगेगा, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। अब बात कर लेते हैं इसकी, एंड गाइस वन मोर थिंग, इसका ये जो स्कर्ट है ना इसके बॉटम पे यहाँ गोल्डन कलर की पाइपिंग दे रखी है इसको फिनिश करने के लिए, ऐसा नहीं है कि बस एम्ब्रॉयडरी करके छोड़ दिया, नहीं, प्रॉपर इसमें ये पाइपिंग कर रखी है गोल्डन कलर से, ठीक है, तो बहुत फिनिश्ड लुक है। और इसमें एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छे से की गई है, बहुत नीट एंड क्लीन प्रॉपर एम्ब्रॉयडरी है, और ये जो गोल्डन कलर का इसमें वर्क देख रहे हो आप, ये वाला, ये जो वर्क देख रहे हो ये ऐसा लग रहा है, यहाँ पे प्रॉपर दिखेगा ये जो वर्क है ना, ये ऐसा लग रहा है तार से किया गया है, गोल्डन तार से, बट ये धागे का काम है, इतना नीट एंड क्लीन काम किया गया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मैं बात कर लेती हूँ इसकी चुन्नी की एंड इसकी चोली की, तो चुन्नी और चोली दोनों इसमें अटैच्ड मिली है मुझे, ये इस तरह से चुन्नी के साथ इसकी चोली अटैच्ड है, एंड दिस इज डैम ब्यूटिफुल गाइस, बहुत ज़्यादा प्रिटी है। अगेन टफेटा सिल्क का ये फैब्रिक है रॉयल ब्लू कलर में, एंड ये गाइस डुअल शाइन वाला जो फैब्रिक होता है ना, जब इसमें लाइट पड़ती है तो ये ब्लू लगता है, बट अगेन अगर आप हल्का सा इसको शेड में देखो तो ये ब्लैक लगता है, तो डुअल टोन कलर है, तो बहुत अच्छा लग रहा है एंड रात में ये बहुत प्यारा लगेगा। सो ये इसकी चोली है और ये कुछ इस तरह की है, पूरे में एम्ब्रॉयडरी है, पूरे में काम किया गया है, और ये इसका बैक है नेक का, तो आप इतनी स्पेस दी गई है तो यहाँ से आप डोरी वाला बैक बनवा सकते हो क्रिस क्रॉस करके, बहुत प्यारा लगेगा, ठीक है। अब इसकी चुन्नी की बात कर लेती हूँ, आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, बॉर्डर है पूरे पे, पूरी चुन्नी पे बूटियों का काम है और चारों तरफ से बॉर्डर है। इसका नेट फैब्रिक है और ये सॉफ्ट वाला नेट है, बिल्कुल भी हार्श नहीं है, बिल्कुल भी रफ नहीं है, रब करने पे ऐसा नहीं लग रहा कि हार्शनेस है, सस्ती क्वालिटी का है ये, बहुत अच्छा सॉफ्ट नेट है, तो बिल्कुल भी बॉर्डर नहीं करेगा, स्किन पर रैशेज नहीं डालेगा। नेट में एक प्रॉब्लम ये होती है जब नेट हार्श होता है ना तो स्किन पर रैशेज आ जाते हैं, रेड होने लगती है स्किन और जलन होने लगती है, बट ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत फाइन नेट है, और इस पर छोटा छोटा सा ये देखो बूटियों का काम दे रखा है पूरे में, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। अगेन ये भी थ्रेड वर्क है गोल्ड एंड स्काई ब्लू के कॉम्बिनेशन में, तो चुन्नी बहुत हैवी नहीं है बट स्टिल इसमें पूरी चुन्नी में काम है, एंड ये इसका बॉर्डर है। अभी मैं आपको ट्राई ऑन दिखाऊंगी तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ओवरऑल लुक कैसा लगेगा। सो यस, पूरे में आप देखो काम है एंड काफ़ी लंबी इसकी चुन्नी है, मैं मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे जो भी लेंथ है चुन्नी की, तो बहुत प्रॉपर लेंथ है और ये बहुत सुंदर लगेगी गाइस, जब आप इसको ऐसे डालोगे ना, सी कितना ग्रेसफुल लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। इसको ज्वेलरी के साथ अच्छे से ज्वेलरी के साथ पेयरअप करो, बहुत बहुत प्रिटी लगने वाला है, जंग ज्वेलरी के साथ पेयरअप करो, बहुत सही लगेगा ये। सो दिस इज़ परफेक्ट फॉर एनी ओकेजन, इवन आप इसे अपने इंगेजमेंट में पहन सकते हो अगर आप प्लान कर रहे हो लहंगा पहनने का, बहुत हैवी नहीं एंड बहुत कॉस्टली नहीं, बजट में रहते हुए अच्छा लहंगा अगर आप ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हो। एंड गाइस मेरी तरफ से ये 100% रिकमेंडेड पीस है, अगर आप मार्केट में भी जाओगे ना तो इस प्राइस पे इस क्वालिटी का लहंगा आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना हैवीली एम्ब्रॉयडर्ड, चोली पे भी काम है, दुपट्टे पे भी काम है, बॉटम पे भी काम है, विद अटैच्ड कैन कैन एंड वो ब्रॉड वाला फ्लेयर, ऐसा आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है इतने कम प्राइसेस पे। ये मुझे सिर्फ 2699 रुपीस का मिला है, इट्स डेफिनेटली अ स्टील डील, अगर आप लेना चाहो आपको पसंद आ रहा है तो आप डेफिनेटली इसे बाय कर लीजिए,
इसका जो डायरेक्ट परचेज लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके डायरेक्टली इसे परचेज कर सकते हैं। 100% रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड। ऑल्सो दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, ये मैंने अपने पैसे खर्च करके लिया है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप में से बहुत से लोग पूछते हो कि क्या आपको ब्रांड ने सेंड किया था। नहीं, ये मैंने खुद से लिया है, ठीक है। अगर ब्रांड ने सेंड किया होता तो मैं आपको पहले बता देती। तो येस, दैट वॉज ऑल फॉर द रिव्यू। आई होप आपको रिव्यू पसंद आया होगा, रिव्यू आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर से कीजिएगा, रिव्यू अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा। एंड अगर आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करूँ तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, बाय।